नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार कैरियर और पंचकुला से लाए हैं आपके लिए बड़ी खबर। देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व नौछावर करने वाले एक देश के एकमात्र निशान, एक विधान और एक प्रधान का मंत्र देने वाले महान राष्ट्रभक्त, प्रखर शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा पंचकुला में आयोजित की गई। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर करोड़ों भाजपा कार्यकर्ता देश की एकता और अखंडता के लिए तत्पर हैं। डॉक्टर मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके बताए मार्ग पर चले, विचार के साथ जुड़ें और विचार को आगे बढ़ाने का काम करें। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर वहां पौधारोपण किया व सभी से एक पौधा लगाने की अपील की। जिस चीज को उन्होंने प्रारंभ किया वही जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिणत हुई, जो बीच रूप में एक छोटा सा पौधा था, आज वो एक वृक्ष के रूप में है, विशाल वृक्ष के रूप में है। हम उसी वृक्ष के लिए बड़ी पत्तियां हैं जिसका वृक्षारोपण श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। वृक्ष से सिंचित किसी इलाके का हुआ है, उस जब हम कहते हैं जिस तस्वीर को पूर्व से सींचा वो तस्वीर हमारा है, तो हमारे भी बुजुर्गों का, भाइयों का जो है, अनेक पीढ़ियां बीत जाती है इस समय में, तो उन सबके रक्त जो है ये एक अखंड भारत का हिस्सा रहा। इसी मौके पर हमने तय किया है कि हम 1,00,000 वृक्षों का रोपण करेंगे, 5 वर्ष हर बूथ पर लगाएंगे, और हमने अपने सब कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वो अपने नाम का भी वृक्षारोपण करें।